राम गोपाल एक गांव में चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। राम गोपाल के घर में उसके अलावा उसका एक बेटा भी था। दोनों लोगों के लिए चाय की दुकान की कमाई काफी थी। राम गोपाल की बीवी का कुछ ही समय पहले देहांत हो गया था। उसके बाद से अपने बेटे राजू की परवरिश की जिम्मेदारी राम गोपाल पर ही आ गई थी। दोनों बाप बेटा शांति का जीवन बिता रहे थे। राजू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और पढ़ाई में बहुत तेज था। बस इसी तरह उन लोगों का जीवन बीत रहा था कि तभी गांव में राम गोपाल की दुकान के पास एक नई चाय की दुकान खुल गई। पास के गांव से मनोज नाम का एक व्यक्ति उस गांव में आया और उसने ये नई चाय की दुकान खोली। राम गोपाल ज्यादा लालची नहीं था, इसलिए उसे अपनी दुकान के पास एक और दुकान खोलने का कोई खास दुख नहीं हुआ। राम गोपाल अपनी दुकान पर ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। एक दिन राम गोपाल की दुकान पर गांव का एक व्यक्ति आया और बोला, अरे राम गोपाल भैया, ये जो नई दुकान खुली है, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? हमारे गांव का तो नहीं लगता। नहीं भैया, मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहली बार ही यहाँ देखा है। शायद पास के किसी गांव से यहाँ आया होगा। इस पर वह व्यक्ति बोला, पर भैया, उसने तो तुम्हारी दुकान के साथ ही चाय की दुकान खोल ली है। अब तुम्हारी बिक्री पर इसे फर्क पड़ेगा। देखो भैया, भगवान की कृपा से मेरी दुकान गांव में बहुत पुरानी है और काफी लोग मुझे जानते भी तो हैं, है? मेरा गुजारा तो ठीक ही चल रहा है। अब बाकी जिसकी किस्मत में जो है, उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी किस्मत का जितना काम और पैसा होगा, वो तो मुझे मिल ही जाएगा। इसलिए चिंता किस बात की। राम गोपाल इसी तरह खुश रहा करता था और किसी चीज की ज्यादा चिंता नहीं करता था। कुछ दिन बीतने के बाद मनोज की दुकान पर ग्राहकों का आना शुरू हो गया। मनोज थोड़ा चालाक व्यक्ति था। उसकी दुकान पर जो भी पहली बार आता, उसे वह चाय मुफ्त में पिलाता था। अरे गांव के लोगों, मेरी दुकान पर जो भी पहली बार आएगा, उसे मैं चाय मुफ्त में दूंगा। यदि आपको चाय अच्छी लगे तो आप दोबारा मेरी दुकान पर आइएगा। इस तरह लोगों को रिझाने के लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाता रहता था। उसने अपनी दुकान पर शहर से लाकर कुछ खाने पीने की नई नई चीजें भी रखी हुई थीं, जिससे कि गांव के लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आते थे। मनोज की दुकान में लोगों को कुछ अलग तरह का स्वाद आता था और लोग उसकी दुकान पर बार बार आना पसंद करने लगे। मनोज की बिक्री देखते ही देखते बढ़ने लगी और राम गोपाल की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। गांव के लोग आपस में बातें करते, अरे भाई, ये मनोज की दुकान की चाय तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। मन करता है कि रोज ही उसकी दुकान पर जाकर चाय पिया करे भैया, है? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी दुकान पर आकर चाय ना पी ली जाए तब तक मन नहीं मानता भैया। गांव में सभी लोगों को इसकी चाय बहुत पसंद आ रही है, तभी तो देखो इसकी बिक्री दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मनोज की दुकान से जो लोग भी चाय पीते थे, वो उसी की दुकान पर चाय पीना पसंद करते, क्योंकि उसकी दुकान की चाय का स्वाद लोगों को बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते राम गोपाल की दुकान की बिक्री कम होने लगी। अब राम गोपाल को चिंता सताने लगी कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो उसका घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर घर खर्च के पैसे और बेटे की पढ़ाई का खर्च आएगा कहां से? राम गोपाल काफी चिंतित रहने लगा। इसी चिंता में वह एक दिन घर पर उदास बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसका बेटा राजू वहां आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। राम गोपाल राजू से कुछ नहीं कहता, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के एक व्यक्ति से राजू को पता चलता है कि उसके पिताजी की दुकान के पास है एक नई चाय की दुकान, जिसकी वजह से उन लोगों की दुकान की बिक्री बिल्कुल कम हो गई है। अब राजू समझ जाता है कि उसके पिताजी क्यों परेशान थे। राजू काफी समझदार लड़का था, वह काफी सोचता है। आखिर पिताजी कितने सालों से चाय बना रहे हैं, और उनकी बनाई हुई चाय तो सभी को पसंद भी आती है। उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, फिर ऐसा क्या है नई चाय की दुकान में जो सभी लोग वही चाय पीना पसंद करते हैं। तब राजू ठान लेता है कि वह अपने पिताजी की यह परेशानी जरूर दूर करेगा। मनोज की चाय की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। राजू वहां आकर गौर से ग्राहकों को चाय पीते हुए देखता है और सोचता है, सब लोग तो बहुत मजे लेकर चाय पी रहे हैं, आखिर इसकी दुकान की चाय में ऐसी क्या बात है। इस दुकान पर चाय में लोगों को कुछ ऐसा स्वाद मिल रहा है जिससे कि इसकी दुकान इतनी चल रही है। मुझे पता लगाना होगा कि इसकी चाय में क्या खास बात है। राजू खिड़की से छुपकर मनोज को चाय बनाते हुए देखता है। राजू बहुत गौर से मनोज को देख रहा था। उसने चाय में सारी वही चीजें डाली जो कि हर जगह चाय में डलती हैं। परंतु आखिर में उसने नीचे से एक हरा डिब्बा निकालकर उसमें से कुछ पाउडर सा चाय में डाला और वो डिब्बा छुपाकर नीचे ही रख दिया। ये सब देखकर राजू को कुछ अटपटा सा लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, यदि सारी सामग्री ऊपर खुले में रखी हुई है तो फिर इसने हरे डिब्बे को नीचे छुपाकर क्यों रखा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। राजू वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है और इस घटना के बारे में काफी सोचता है। राजू के स्कूल का टीचर रमाकांत बहुत ही अच्छा था और वो राजू से बहुत प्यार करता था। राजू अपने टीचर की मदद लेने की सोचता है और उन्हें सारी बात बताता है। सारी घटना सुनने के बाद रमाकांत राजू से कहता है, राजू तुमने जो सब कुछ मुझे बताया वो कुछ अटपटा तो लग रहा है, परंतु बिना सबूत के हम उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम एक काम करो, अपना मोबाइल ले जाकर वहीं छुपकर उसका एक वीडियो बना लो। यदि हमारे पास सबूत होगा तो हम उसे पकड़वा सकते हैं। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही छुपकर उसका वीडियो बना लूंगा। अगले दिन राजू पूरी तैयारी के साथ मनोज की दुकान पर जाता है और वही खिड़की के पास छुपकर खड़ा हो जाता है। मनोज की दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। वह रोजाना की तरह ही चाय बनाने में व्यस्त था। पहले दिन की तरह ही मनोज ने चाय बनाने के बाद नीचे से हरा डिब्बा निकालकर चाय में कुछ डाला और वो डिब्बा छुपाकर वहीं रख दिया। इस सारी घटना का वीडियो राजू ने बना लिया और वैसे ही अपने टीचर के पास गया। सर देखिए, मैंने वीडियो बना लिया है, आप ध्यान से देखिए कि मनोज इसमें छुपकर डिब्बे से क्या निकाल रहा है। रमाकांत उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, हाँ राजू तुम ठीक कह रहे थे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिस तरह से यह डिब्बा इतने नीचे छुपा कर रखा हुआ है। पर राजू इसमें दिख नहीं रहा कि वो क्या चीज है। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि वो कोई गलत चीज है, तब तक हम किस तरह उसे पकड़वा सकते हैं। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई गलत चीज है। हमें पक्के सबूत के लिए वो पाउडर हासिल करना होगा। यदि तुम हिम्मत दिखाओ तो ये काम हो सकता है। तुम उसकी दुकान पर जाकर मनोज की नजर से बचकर वो पाउडर का सैंपल ले आओ। पहले हम उसकी जांच करा लें, यदि कुछ गड़बड़ हुई तो हम कल ही पुलिस को लेकर पूरी तैयारी के साथ मनोज की दुकान पर जाएंगे और सारी बात का खुलासा करेंगे।
राजू सारी बात समझ जाता है और अपनी टीचर से कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करता हूँ। इस काम को बहुत होशियारी और चालाकी से करना होगा, परंतु उसका भांडा फोड़ने के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। अगले ही दिन राजू अपनी वेशभूषा थोड़ी सी बदल कर मनोज की दुकान पर पहुंच जाता है ताकि मनोज उसे पहचान न सके। उसकी दुकान पर काफी भीड़ होने के कारण राजू काफी देर इंतजार करता है और जैसे ही मनोज बाहर ग्राहकों से पैसे लेने में व्यस्त होता है, तुरंत ही राजू उस डिब्बे में से थोड़ा सा पाउडर निकाल कर रुमाल में रख कर उसे अपने थैले में रख लेता है। मनोज को किसी तरह का कोई शक नहीं होता, राजू का काम हो गया और वो तुरंत वहाँ से निकल कर अपने टीचर के पास जाता है और उन्हें वह पाउडर दे देता है। पाउडर की जांच करने पर पता चलता है कि वह नशे का पदार्थ है। बस फिर क्या था, अब तो सबूत मनोज के खिलाफ था, उसे अपराधी घोषित करना मुश्किल नहीं था। अगले दिन राजू अपने टीचर रमाकांत और पुलिस के साथ मनोज की दुकान पर पहुंच जाता है। मनोज अचानक पुलिस को वहां देखकर काफी घबरा जाता है और उनसे कहता है, अरे साहब आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाता हूँ। अरे नहीं भाई, हमें कोई चाय वाय नहीं पीनी, हम तुम्हारी दुकान की तलाशी लेने आए हैं। मेरे दुकान की तलाशी पर क्यों, भला एक गरीब से चाय वाले की दुकान पर ऐसा क्या है जिसकी तलाशी आप लेना चाहते हैं? रे तुम यहाँ से बाहर निकलो, अभी सब पता चल जाएगा। राजू के बताए अनुसार पुलिस वाले उस जगह की हर चीज की तलाशी लेने लगते हैं और जैसा कि वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था, वहाँ एक हरा डब्बा मिल जाता है। पुलिस वाले जैसे ही उस डब्बे को खोलते हैं, उसमें एक सफेद पाउडर मिलता है। रे ये क्या है, है? इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई नशे का पाउडर है। रे दुकान पे क्या रखा है ये, आखिर चाय की दुकान पर इस पाउडर की क्या जरूरत है भाई? जी 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 ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ लोगों को चीनी की चाय पसंद नहीं आती तो ये पाउडर मैंने इसीलिए रखा हुआ है। हाँ। पुलिस वालों को समझ आ जाता है कि मनोज झूठ बोल रहा है। रे इस पाउडर को हम जांच के लिए लैब में आगे भेजेंगे, तुम्हारे झूठ और सच का पता जल्दी चल जाएगा। पुलिस वाले मनोज को हिरासत में ले लेते हैं और उसकी दुकान पर ताला लगाकर मनोज को अपने साथ ले जाते हैं। उस पाउडर की पुलिस द्वारा जांच होने पर पता चलता है कि वह नशे का पाउडर है जिसके सेवन से धीरे धीरे लोगों को उसकी लत लग जाती है और फिर जब तक वह ना लिया जाए शरीर में बेचैनी सी महसूस होती है। पुलिस वाला रमाकांत और राजू से कहता है, यह नशे का पाउडर मनोज शहर से खरीद कर लाता था और जानबूझकर अपनी चाय में डालता था ताकि लोगों को इसकी लत लग जाए। शुरू शुरू में इसके कोई नुकसान पता नहीं चलते, परंतु धीरे धीरे शरीर को इसकी लत लग जाती है। मनोज ने अपनी चाय की दुकान चलाने के लिए, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की जिंदगियों से ये खिलवाड़ किया, उसको तो अब जेल होगी। पुलिस वाला रमाकांत और राजू का शुक्रिया अदा करता है और उनसे कहता है कि भाई तुम लोगों ने बहुत ही समझदारी और होशियारी से काम लिया जिससे कि गांव वालों की जान बच पाई। यदि समय रहते ही ये सब ना रोका गया होता ना तो सभी गांव वालों को इस नशे की लत लग जाती भाई। रमाकांत राजू को बहुत शाबाशी देता है और उससे कहता है, तुमने बहुत ही बहादुरी और समझदारी का परिचय दिया और गांव वालों को इस शहर से बचा लिया। गांव वाले भी राजू और रमाकांत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सही समय पर उन्होंने मनोज की पोल खोलकर गांव वालों को बचा लिया। अब राम गोपाल की दुकान दोबारा चलने लगती है और राजू भी बहुत खुश हो जाता है कि उसने अपने पिताजी की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया और गांव वालों को भी बचा लिया।